शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा सवाल आपसे है, सवाल भी है और एक मोमेंट भी मैं बताना चाहूंगी। मेरे फादर भी आर्मी में है, सूबेदार है, तो वो जब पुंछ राजौरी में पोस्टेड थे, जब वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हुए थे, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है। तब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कनेक्शन हमारा टूट गया था, क्योंकि वहाँ से कॉल्स नहीं आ पा रहे थे और यहाँ से कॉल्स जा नहीं रहे थे पापा को, तो जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हालत ख़राब चल रही है, जो भी है सिचुएशन, कुछ दिन बात नहीं कर पाऊंगा, तो जब हमने पूछा कि आप लोग पापा आप लोग क्यों फायर बैक नहीं कर रहे हो, आप लोग क्यों यू नो अटैक हमारे यहाँ से क्यों अटैक नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ से ब्लास्ट हो रहे हैं, तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें भी ऑर्डर्स नहीं है, हमें सिर्फ इतना ऑर्डर दिया गया है कि अपने आप को डिफेंड करो और मतलब अटैक मत करो, सिर्फ डिफेंसिव मोड पर रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो बस। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे ही लोग, देखो पहले का जो वक्त था, जवान हमारे जवानों का सिर काट के ले जाते थे पाकिस्तान के वो आतंकवादी या फौज के वो लोग, बहनों के सुहाग उजड़ जाते, बच्चे यतीम हो जाते, और हम रात को क्या आपने खाना खाया है क्या नहीं खाया, लाल कारपेट के साथ ताजमहल पे बुलाया जाता था, वो चीज़ें हम भूल जाते थे। देखो मैं पहली बात तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, पर जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या कोई हो, उसके लिए मेरा जीवन हमेशा हाजिर है, क्योंकि इतने वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, हमने विरोध किया, पर मौत का कफन बांध के गए, क्या संदेश दे के गए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि ये महात्मा गांधी का देश है, आतंकवाद हो चुका, पाकिस्तान में बैठा हुआ आम आपकी तरह को भाई बहन हमारा आज भी वो भाई है, पर ये खून की नदियां बहाना बंद करो, उधर हो या इधर हो। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता था ये होगा, पाकिस्तान की आईएसआई ये करेगी, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना हुई, और उसके बाद आज तक एक गोली चलती पाकिस्तान से 100 गोली का जवाब दिया जाता है। जब 18 जवान शहीद हुए, 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके उनके 40 आतंकवादियों को मार के कैंपों को उड़ा के आए, पुलवामा हुआ, रातों रात आप सोए हुए थे, नरेंद्र मोदी जाग रहे थे, और हमारी फौज 15 मिनट में गई और 350 के करीब आतंकवादियों को ढेर करके उनको तमाम कैंपों को तबाह करके आई। क्या आपने सोचा था अपनी लाइफ में कि 370 धारा हटेगी, यह मुद्दा ठंडा पड़ चुका, हो जाए, पर हम उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमारे लाखों हजारों लोगों का, हमारे जवानों का बदला 370 धारा हटा के लिया। वक्त वो अब खत्म हो चुका, जो मेरा मानना है आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी है। आज किसी जवान को बीएसएफ हो, सीआरपी हो या फौज हो, उसको दिल्ली से पूछना नहीं पड़ेगा साहब गोली चलाए या ना चलाए, एक चलेगी 100 मारेंगे, मार के उनको ठोक के आएंगे, ये आज का माहौल। बेटा जी, मतलब लोग किन किन चीजों से डरते हैं आजकल, लोगों को शायद देशभक्त से, भक्ति से भी थोड़ी सी डर लग रही है, आप कैसे एक बॉम्ब से नहीं डर सकते? सर सच बताइए, आज तो पता लगाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डरता नहीं हूं, मौत मेरी दोस्त है, और बम गोलियां जब मेरे शरीर पे चलते थे या चलते हैं या चलेंगे, तो वो मुझे फूलों की तरह लगते थे। मेरे दर्दें भी होती हैं मेरे बॉडी में, शरीर के आधे हिस्से में लोहा है, वो मुझे फूलों की तरह लगती, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है, कुर्बानी नहीं, मेरा एक कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को पूरा करता हूँ, वही सरूर वही नशा मुझे टेररिज्म के खिलाफ राष्ट्र के लिए आगे ले जाता है। मैं डरता हूँ बम्बों गोलियों और मौत से, बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मौत मेरी दोस्त है। मैं डरता हूँ आज जो हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम जो बचपन से देखा है, मैं डरता हूं तो पॉलिटिकल टेररिज्म से डरता हूं कि वो उससे भी खतरनाक होता है, जिसको अभी तक ना मीडिया समझ पाई ना पब्लिक समझ पाई कि पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है। बम गोलियों से जो जाता है वो शहीद कहलाता है। अगर मेरे ऊपर बम गोलियां चले, मैं नहीं कहता, लोग कहते मैं जिंदा शहीद हूं, पर मैं पॉलिटिकल टेररिज्म से जब मारा जाता हूं, फिर मैं समझता हूं कि
जानवर की मौत और इंसान की मौत में फर्क नहीं होता, इतनी घटिया किस्म की मौत होती है, तो सुबह उठ के भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे मौत कभी भी देना, बम्बों गोलियों से देना, राजनीतिक आतंकवाद से ना देना। हमारे जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए मौत का कफन पहन करके, वर्दी पहन करके जाते हैं। हमें ये नई जनरेशन को बताना है, जरूरी नहीं कि आप फौज की वर्दी पहनो, नहीं पहन सकते तो मेरी तरह उस वर्दी के बगैर भी आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। पंजाब में जब टेररिज्म था, क्या आपने कभी सोचा था कि वहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा? लगता था कि पंजाब का हिस्सा हिंदुस्तान से टूट करके पाकिस्तान में चले जाएगा, पर आप लोगों की मीडिया के सहयोग से मौत का कफन बांध करके, मैंने अकेले नहीं, हमारे दोस्त भी थे और भी कई लोग थे, पॉलिटिकल पार्टियां थी, जब हमने संकल्प ले लिया कि राष्ट्र को बचाना है, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, पंजाब को टूटने नहीं देना है, तो पंजाब बचा, तो उसका हमें गर्व। 7 साल की उम्र में जब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ एक जलियांवाला बाग, एक तरफ हरमंदर साहब, वो सैर करने के लिए जाते थे, बुजुर्ग थे, मुझे ले जाते, छोटा बच्चा था, कई महीने जाता रहा। एक बार मैं उनको ले गया, ये निशान किस चीज के हैं? उन्होंने कहा ये जनरल डायर के गोलियों के निशान है। कौन जनरल डायर? जिसने देश को आजादी मांगने वाले के ऊपर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर गोलियां चलाई थी। मुझे उन्होंने एक शहीद आजम भगत सिंह जी की किताब और एक जलियांवाला बाग की किताब ला के दी, मैंने उसको पढ़ा, और एक महीने बाद अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ करके मैं वहां उस लाल खून की मिट्टी पे शपथ ली, आजादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने लेके दे दी, कभी जिंदगी में मेरा इम्तिहान का वक्त आया, हम इनकी आजादी की रक्षा करेंगे। थोड़े बड़े हुए, 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मनाने का फैसला किया। एक ऐसा 15 अगस्त का जब दिन आया, आजादी का दिन, तिरंगा झंडा लहराने का, तो हरमंदर साहब वो पवित्र जगह जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर दुनिया का, हर कौम, हर मजहब का व्यक्ति नमस्तक करता है, जब उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश की और जब वहां से नारा चला कि खालिस्तान बनाएंगे, हमने मौत का कफन बांधा, हमने कहा नहीं, खालिस्तान नहीं बनने देंगे। 15 अगस्त का दिन इम्तिहान का वक्त आया तो अंदर से चैलेंज आया, अगर MS बिट्टा तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों गोलियों से उड़ा देंगे। हमने कहा आज इम्तिहान का वक्त है, वो जलियांवाला बाग में हमने शपथ ली थी, सुबह 5 बजे बम फेंका जाता है इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सके, आजादी की रक्षा न कर सके। पर 12 बजे हमने वो तिरंगा झंडा जब लहराया तो आतंकवादियों ने फिर चैलेंज किया, तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। हम शाम के 5 बजे तक, जब तक सूरज डूबा नहीं, पहरा देते रहे, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे। 5 बजे सूरज डूबा, हमने तिरंगे झंडे को सीने पे लगाया और वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए, और बम्बों गोलियों का जवाब, इतनी शक्ति ताकत थी उस वंदे मातरम और भारत माता की, उस तिरंगे झंडे में दिल से प्यार किया और बम्बों गोलियों का मुकाबला हमने वंदे मातरम बोलते हुए दिया। वो पहला बम ब्लास्ट, जब कभी मीडिया पूछता है इतने बम ब्लास्ट हुए, इतने गोलियां चले, तो मैं फख्र से कहता हूं पहला बम आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हुआ, ये मुझे फख्र है। हाँ बेटा जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने इतनी आप बहादुरी और इतनी सारी चीजें, जो जज्बात आपके अंदर थी, जिसको आप आगे लेके आए, लेकिन आज के युग में ये जज्बात कम क्यों हो रहे हैं लोगों में? मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि हमारा जज्बा कम हो रहा है। मैं रोज यूनिवर्सिटी कॉलेज, मॉडर्न स्टूडेंट जो हैं आजकल, मैं भी सोचता था शायद जज्बा कम हो गया होगा, पर जब भी हम शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की, या उन शहीदों के इतिहास को जब हम बताते हैं, किस तरीके से पंजाब के इतिहास को बताते हैं, तो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट की आंखों में आंसू निकलते हुए मैं रोज देखता हूं। सत श्री अकाल जी, वंदे मातरम। अच्छा, आपने कहा पॉलिटिकल टेररिज्म, तो क्या आपकी फिल्म में ये सच्चाई भी दिखाई जाएगी कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल टेररिज्म चल रहा है, जो देश को खोखला कर रहे हैं आतंकवाद की वजह से, तो क्या यह सब सच्चाई भी आपकी फिल्म में दिखाई जाएगी? ये पॉलिटिकल टेररिज्म कहीं ये मत समझिए कि हिंदुस्तान में है, ये पूरी दुनिया में पॉलिटिकल टेररिज्म है।
पाकिस्तान में भी मैं अगर जिक्र करूं, चाहे हमारा दुश्मन बेनजीर भुट्टो की जो हत्या हुई वो पॉलिटिकल टेररिज्म था, राजीव गांधी की हत्या हुई पॉलिटिकल टेररिज्म था, मेरे ऊपर ब्लास्ट हुए तो पॉलिटिकल टेररिज्म था। एक्चुअली आज जो सबसे बड़ी कमियां हैं कि पॉलिटिकल टेररिज्म का अभी तक समाज को, सिस्टम को पता नहीं चला कि पॉलिटिकल टेररिज्म है क्या, हमारे राजनीतिक लोगों के रूप क्या है, हम ऊपर क्या है, हम अंदर क्या है, हम वोट की खातिर, किसी को साइड में करने की खातिर, हम आगे पहुंचने के लिए क्या क्या सहारे लेते हैं। मुझे लगता है कि जो मूवी मेरे ऊपर है, मेरे पास इतने सबूत हैं, इतने गम, इतने दुख, इतनी पीड़ा, इतने खून के आंसू हैं जो शायद मैं अभी तक बाहर नहीं निकाले हैं। कोई ये ना कहे कि शायद मैं ये पब्लिसिटी के लिए करता हूँ। आपके अंदर इतने सारे गोलियां और इतने सारे लोहे की सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो इसको लेकर के आप अपनी फिटनेस को किस तरह से इतना चीयरफुल रहते हैं, कैसे बनाए रखते हैं अपनी फिटनेस, थोड़ा ये भी बता दीजिए। बेटा साहब आप खुश, आप कैसे इतने फिट कैसे रहते हैं, इतनी तकलीफें आप? देखो अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगा अपने इस बोनस की जिंदगी के शरीर के हिस्से का, तो मैं तो बेड पर लेट जाऊँगा, ये सारी चीज़ें उसी में आएंगी। पहले बताना मेरे ख्याल ठीक नहीं, मैं सुबह कैसे उठता हूँ, मुझे कितने लोग उठाते हैं, मैं जब तैयार होता हूँ तो मैं अकेला नहीं हो पाता, दो लोग मेरी मदद करते हैं, जब गाड़ी में बैठता हूँ फिर दो तीन लोग मुझे पकड़ के बैठाते हैं। तो मैं हर चीज़ जो जीवन में बोनस की ज़िंदगी में देखा, इतने बम्बों गोलियों से बचने के बाद, मैं हर पल हर कदम भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ।